हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सब कैसे सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल अवी। एंड आप लोगों का फिर से हमारी फैमिली में, टेक्निकल अवी फैमिली में, यानी टेलीग्राम चैनल पर भी स्वागत है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो यार अभी ज्वाइन हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर ज्वाइन नहीं होते तो बहुत सारी अपडेट्स हैं, आप मिस करोगे। आज की वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक करेंसी पे, यानी करेंसी पेयर्स पे, जहाँ पे आप ट्रेड लेने वाले हैं वहाँ पे आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप रिकमेंडेशन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप सिग्नल चेक कर सकते हैं, एंड टेक्निकल ग्राफ, टेक्निकल इंडिकेटर, रिकमेंडेशंस और जो सेंटीमेंट्स हैं मार्केट के, एक्सपर्ट्स उस करेंसी पेयर्स को लेके क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं, अगले कुछ मिनटों तक मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझसे क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में, पर्सनल मैसेजेस में, तो मुझसे कमेंट में या क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सर हमें ये बताइए कि किसी करेंसी पेयर पे अगर हम बड़ी ट्रेड लेते हैं तो किस तरीके से न्यूज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। मतलब बिना न्यूज़ चेक किए इतनी बड़ी ट्रेड्स लेना, एग्जीक्यूट करना, इट्स नॉट गुड। तो हम करेंसी पेयर्स पे किस तरीके से न्यूज़ चेक कर सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी एक वीडियो में मिलेगी। लास्ट तक देखना, मज़ा ज़रूर आने वाला है। वीडियो को छोटी बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप मेरे पीसी के स्क्रीन पे हैं एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली कि किस तरीके से हम न्यूज़ गैदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, investing.com अपने पीसी पे ओपन कर लेना है। गूगल पे सर्च करोगे investing.com तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी। ये मुझे थोड़ी सी ट्रस्टेबल वेबसाइट लगती है, बाकी सारी वेबसाइट्स को अगर हटा दें तो ठीक है। तो यहाँ पे अब पूरा देखो, काफ़ी सारे सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो अपनी आईडी, गूगल आईडी लॉगिन कर सकते हो, FB ID लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अब देखियो, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक कैलेंडर का एक सेक्शन मिल जाता है, जो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि इकोनॉमिक कैलेंडर जो है वो चेक करके फिर आप जो है ट्रेड लिया करो। मैं हर बार आपको एक चीज़ कहता हूँ। तो अब जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मार्केट के ऑप्शन पे देखो, क्लिक करोगे जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होने के बाद करेंसीज पे आपको जाना है। करेंसीज पे जाने के बाद देखो, ये कुछ रिकमेंडेड करेंसीज आ जाएंगी आपके पास, जो कि मोस्ट पॉपुलर करेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कोई भी एक करेंसी पेयर पे। मैं यूरो यूएसडी पे आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पॉपुलर पेयर होता है यूरो यूएसडी करेंसी का, ठीक है। तो देखो, यूरो यूएसडी पे आपको क्लिक करने पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिलहाल का करंट रेट क्या है, प्लस रियल टाइम ग्राफ, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यू था, ओके। तो जाते हैं करेंसीज पे अगेन, एंड यूरो यूएसडी पे मैं करता हूँ क्लिक, एंड ओके, वी गॉट यूरो यूएनसी, यूरो यूएसडी, ओके। तो यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं, सबसे पहले जर्नल पे आते हैं। यहाँ पे थोड़े से एड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि फ्री की वेबसाइट है ये, आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब देखो, यहाँ पे आपको, आप वोट भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बुलिश के लिए वोट किया था, एंड यहाँ पे देखो मार्केट बुलिश पे ही है अभी, ठीक है। यानी मेंबर्स सेंटीमेंट्स आप देख सकते हैं कि मेंबर्स को क्या लगता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा आज के पूरे दिन के लिए। हर 24 आवर्स में ये रिफ्रेश हो जाता है, आप दोबारा से आपके वोट जो है वो काउंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इनके जो है चार्ट को देख सकते हैं डे वन के हिसाब से, या अब देखो ये डे वन के हिसाब से है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको बता रही है कि किस तरीके से बायर्स और सेलर्स, रेड कलर की कैंडल्स, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन से ज़्यादा इफेक्टिव थे, या क्योंकि आपको हिस्टोरिकल डेटा गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, 5 मिनट का ग्राफ एक्टिव है, आप चाहो तो इसे 1 मिनट का भी कर सकते हो, ठीक है। ये 1 मिनट का रियल टाइम ग्राफ है गाइज, ये चीज़ आप याद रखना, ये रियल टाइम ग्राफ है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये सारी चीज़ें। आगे दिखाता हूँ किस तरीके से आप न्यूज़ चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे न्यूज़ की बात करते हैं, तो न्यूज़ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यूज़ एंड एनालिसिस एंड ओपिनियन, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये पेज आपके सामने खुल के आता है। तो देखो, ये सारी न्यूज़ आपके सामने खुल के आ गई है। तो सबसे ऊपर ही ऊपर देखो, मेरे पास एक न्यूज़ आई है, यूरो यूएसडी डेली फोरकास्ट, यूरो एक्सटेंड रिकवरी अहेड ऑफ फेड मीटिंग। कभी भी आपको ये वर्ड दिख जाए ना फेड मीटिंग, तो इसका मतलब है कि करेंसी पे आपको पेयर, उस करेंसी पेयर पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। कब तक? उस न्यूज़ के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक। तो देखो, अभी न्यूज़ 1 घंटे पहले आई थी, तो अभी हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपली पता लग गया। तो करेंसी आपको क्या करना है, फिर करेंसी पेयर को चेंज कर लेना है। तो आप करेंसी पेयर चेंज कैसे करोगे, यहाँ पे जाओगे करेंसीज पे जाओ। अब मैं GBP USD पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, मैंने GBP USD पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले काम कर लेता हूँ, न्यूज़ चेक कर लेता हूँ, तो अगर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो देखो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ नहीं रखी है फिलहाल, आप मैंने सब कुछ चेक किया हुआ है, अगर आप भी चेक करोगे, अगर कोई मीटिंग्स की न्यूज़ आती है ना तो वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। जब भी आपको कोई मीटिंग की न्यूज़ मिले आपको ट्रेड नहीं लेनी है। अब जाते हैं टेक्निकल ग्राफ पे, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। देखो अब यहाँ पे देखो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आप अगर 1 मिनट की ट्रेड लेना चाहते हो तो इसे 1 मिनट पे क्लिक करो। तो 1 मिनट की ट्रेड पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है मूविंग एवरेज के हिसाब से, आपको पता है मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, उसके हिसाब से आपको बाय रिकमेंड कर रहा है। प्लस अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो वो भी आपको यहाँ से बाय रिकमेंड कर रहे हैं, यानी आपको कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पहले ही सारी बता देंगे। तो समरी क्या है इसकी, समरी है स्ट्रॉन्ग बाय, मतलब अगर 1 मिनट की ट्रेड आप लेना चाहते हो तो आपको बाय कर देना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ना बार बार रिफ्रेश करके देखते रहना है, मतलब बार बार आपको रिफ्रेश करना है, क्योंकि ये स्टैट्स जो है वो कब चेंज हो जाएंगे किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अभी देखो ये आर पे है तो मैं इसको 1 मिनट पे फिर से कर देता हूँ। देखो अभी भी स्ट्रॉन्ग बाय पे है तो बिना सोचे समझे 1 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग बाय पे ट्रेड ले लो, ठीक है। देखो ये मूविंग एवरेज का है तो अभी देखो स्ट्रॉन्ग बाय पे दिखा रहा है 20 मिनट 50, ये MA 20, ये सारी सारे स्ट्रॉन्ग बाय पे ही है, सेल पे भी है लेकिन बहुत ही कम है, तो मेजोरिटी बाय पे है। और टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो भैया यहाँ तो सभी बाय पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाय पे कर देना है, ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। आप देखोगे यहाँ पे माय सेंटीमेंट्स पे तो वोट भी आपको अभी देखो अभी बियरिश पे ज़्यादा आ गया है, पहले देखो हाँ ये जो करेंसी है ये करेंसी है GBP USD, तो यहाँ पे मैंने वोट कर रखा था ऑलरेडी बियरिश के लिए, क्योंकि मुझे मार्केट का थोड़ा सा अंदाज़ा था आज। तो देखो बियरिश का जैसे ही आप वोट करोगे यहाँ पे बियरिश का आ जाएगा कि भैया 58% लोग हैं जिन्होंने बियरिश को वोट किया, मतलब आज का जो मार्केट है वो बियरिश रहने वाला है, ज़्यादा टाइम आपको बियरिश दिखने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप जाते हैं कैलेंडर पे तो कैलेंडर भी आप चेक कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाते हैं और देखते हैं कि कोई और न्यूज यहां पे किसी करेंसी पे है या नहीं, तो यहां पे चेक कर लो। तो अभी चेक करते हैं, अभी हमारे पास जो टाइम है 5:50 के आसपास अभी टाइम हुआ है, तो 5:50 के बाद की देखते हैं कोई न्यूज है, देखते हैं। देखो 6 USD मंथली रिपोर्ट, ओके, जब मंथली रिपोर्ट दिखेगी तब भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है USD पेयर पे, सॉरी मंथली रिपोर्ट पे भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि मंथली रिपोर्ट जब आती है तो चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बाकी कोई न्यूज़ अभी फिलहाल देखो ये सारी बकवास ही चीज़ें, कुछ न्यूज़ नहीं है यहाँ पे अभी, तो वो ये चीज़ें आपको देखती रहनी है। अगर कोई मीटिंग हो, कोई न्यूज़ हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, कोई चेंजेस हो, US फेडरेशन की मीटिंग हो, असेंबली में कुछ हो, तब आपको ट्रेड नहीं लेनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से गैदर करके मिल जाएंगी। तो यार उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। और यार लाइक करके चले जाना दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। यार चैनल पे बिल्कुल नए होना, और यार इन्फॉर्मेशन मिल गई इतनी सारी और आने वाले टाइम में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो यार सब्सक्राइब कर देना। एंड यार वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना उतना ही फायदा होगा यार सारे व्यूअर्स को, जितने लोग हैं जहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। चलिए गाइस यार टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ।